ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं में होने वाली सबसे आम बीमारी है, जो कुछ दिन पहले तक बहुत कम महिलाओं में पाई जाती थी, लेकिन आजकल आम होती जा रही है, जिसको लेकर देश विदेश के डॉक्टर्स माथापच्ची में लगे हैं कि कैसे इसका मुकम्मल इलाज हो सके, जिसमें महिलाओं को कम से कम नुकसान हो। साथ ही दूसरी सबसे बड़ी समस्या इसके इलाज में खर्च में आने वाले पैसे की भी है, जिसे कई महिलाएं अफोर्ड नहीं कर पाती, जिसका नतीजा ये होता है कि ज़्यादातर मरीजों की मौत हो जाती है। लेकिन अब ऐसी महिलाओं की जिनकी आर्थिक हालत सही नहीं है, उनका इलाज केवल 1 रुपये में हो सकेगा। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में इस घातक बीमारी के इलाज के लिए एक नई तकनीक की खोज की गई है। मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स की टीम ने ब्रेस्ट कैंसर का सफल इलाज इतनी कम कीमत में खोज निकाला है। GSVM के डॉक्टरों का कहना है कि नई तकनीक के माध्यम से बिना चीरा लगाए ब्रेस्ट कैंसर मरीजों को जीवनदान दिया जाएगा। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में मात्र 1 रुपये के पर्चे पर ब्रेस्ट कैंसर पीड़ितों का सफल इलाज हो सकेगा। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला के मुताबिक इस तकनीक में ब्रेस्ट को हटाना नहीं पड़ेगा, केवल संक्रमित हिस्सा निकालकर इलाज किया जाएगा। ऐसा ओंको मैमोप्लास्टी से संभव हो पाया है। मेडिकल कॉलेज में इस तकनीक से ऐसी 2 ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित महिलाओं का सफल इलाज भी किया गया है, जिसके बाद ओंको मैमोप्लास्टी तकनीकी से ब्रेस्ट कैंसर के लिए उनका संस्थान उत्तर प्रदेश का पहला कॉलेज बन गया है। प्रिंसिपल काला आगे बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की इस टीम में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर प्रेम शंकर, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर पुनीत शामिल थे, और सभी के प्रयासों से ही सर्जरी सफल हो सकी है। इस सर्जरी में वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट तकनीक का सहारा लिया गया है। डॉक्टरों की टीम ने 48 साल की महिला का सफल इलाज किया है। कल्याणपुर निवासी महिला ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन उनकी ब्रेस्ट को हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी तक यह तकनीक न होने पर महिलाओं की संक्रमित ब्रेस्ट को काट कर हटाना पड़ता था, इससे उनको काफ़ी परेशानी होती थी। कई बार महिलाएं अवसादग्रस्त हो जाती थीं और ऐसी अवस्था में वह आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लिया करती थीं। डॉक्टरों की टीम के मुताबिक जिन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर 15% सेल संक्रमित होते हैं, उनमें वॉल्यूम रिप्लेसमेंट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा प्रतिशत होने पर वह वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट तकनीक में शरीर के दूसरे अंग का मांस का टुकड़ा लगाया जाता है। बहरहाल इस तकनीक के इजाद हो जाने के बाद महिलाएं इसे और अपनी जिंदगी को बड़ी उम्मीद से देख रही हैं कि वे अस्पताल में मात्र 1 रुपये में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करा सकेंगी।